कि फ्रीडम मेमोरेंडम जो है ये यही लेकर जा रहे हैं और अपने दोनों मनोज सिन्हा से गुहार की जा रही है कि प्रॉपर्टी टैक्स को वापस किया जाए। जी सर, क्या कुछ कहेंगे आदेश? जम्मू कश्मीर में इस वक्त प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है, जहां पर अलग अलग सियासी दल की बात करें तो बयानबाजी भी की जा रही है, और वहीं पर आम जनता का ये साफ तौर पर कहना है कि हम इससे असहमति जताते हैं। और वहीं पर शिवसेना मुनीर सैनी ने आज अलजी मनोज सिन्हा को मेमोरेंडम पे पेश किया है, और क्या इस मेमोरेंडम के देने से कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्योंकि आम जनता का इसको लेकर साफ तौर पर असहमति है। तो इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे, मेमोरेंडम का असर कुछ अलजी मनोज सिन्हा पर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा जी। शिवसेना, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई है। जो हम लोग यहाँ पर आए हैं, यहाँ हम एलजी साहब जो इस समय प्रदेश के मुखिया के तौर पर यहाँ पर काम कर रहे हैं, उन्हीं से हम गुहार लगा सकते हैं कि ये जो आपने जजिया कर जो अल्टीमेट यहाँ पर जो है जनता के ऊपर संपत्ति कर के रूप में नया कर जो थोपा है, इसको रोल बैक किया जाए, इसको वापिस लिया जाए। यही हमारी आज के मेमोरेंडम की मुख्य अपील है। इसके साथ ही देखिए, जनता इस समय जम्मू कश्मीर की जनता लगातार महंगाई को झेल रही है, सर्वोच्च स्तर पर है जम्मू कश्मीर के अंदर महंगाई, बेरोजगारी को झेल रही है, आर्थिक मंदी को झेल रही है। तो सरकार का फर्ज बनता है कि जनता को राहत दी जाए, ना कि लगातार जो है डिक्टेटरशिप दिखाते हुए लगातार करों की यहां पर जो है बरसात की जाए जनता के ऊपर। जनता बहुत परेशान है, जनता इसमें भुखमरी के कगार पर है, आप लगातार उसके ऊपर करों का बोझ डालते जा रहे हो। तो एलजी साहब से हम अपील करने आए हैं कि इस कर को जो आपने संपत्ति कर के रूप में लगाया है, इसको वापस लिया जाए, जनता को जो है राहत दी जाए। इसके साथ ही हम अल्टीमेटम भी देते हैं, हम चेतावनी भी जारी करते हैं कि अगर ये संपत्ति कर अगले कुछ दिनों में वापस नहीं लिया गया तो शिवसेना एक जन आंदोलन छेड़ेगी। मेयर राजेंद्र शर्मा का ये कहना है कि जम्मू को दूसरी सिटियों की तरह बनाया जाएगा, यानी कि इंदौर सिटी की तरह बनाया जाएगा, और आने वाले समय में प्रॉपर्टी टैक्स का लोगों को काफी बेहतर फायदा जो है वो देखने को मिलेगा, क्या होगा ऐसा? देखिए, जम्मू के मेयर ने तो ये भी कहा था जर्नल हाउस की मीटिंग के अंदर कि जम्मू की जनता पर किसी तरह का संपत्ति कर नहीं लगेगा, उन्होंने विश्वास दिलाया था, आज संपत्ति कर लग गया है, कहां रहा उनका विश्वास। इसके बाद वो बयान देते हैं कि उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, ये एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला था। अगर तो ये हकीकत है, आप जम्मू के मेयर को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते तो एडमिनिस्ट्रेशन अगर कोई ऐसा फैसला लेता है, अगर ये वास्तविकता है, मैं तो उनको राय दूंगा कि उनको जल्द से जल्द अपने पद से इस्तीफा तक दे देना चाहिए। क्या जम्मू की जनता को एलजी प्रशासन सुनेगी? बिल्कुल सुनने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। किसी भी लोकतांत्रिक देश में जनता जनार्दन है, जनता सर्वप्रिय है, सरकार जनता के आगे कुछ नहीं है, सरकार जनता ही सरकारों को बनाती है। अगर सरकार बनाना आता है जनता को तो सरकार को गिराना भी आता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं पर साफ तौर पर आप सुन चुके हैं कि आज जिस तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है, जहां पर राजनीतिक दल की बात करें तो अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं, और वहीं पर आज शिवसेना मुनीर सैनी की तरफ से अलजी मनोज सिन्हा को एक मेमोरेंडम भी पेश किया गया है, और आने वाले समय में देखने को मिलेगा क्या इस मेमोरेंडम को कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑर्डर तो सामने निकल चुका है जहां पर यह कहा गया है कि 1 अप्रैल 2023 को जम्मू की नागरिक को प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा। और वहीं पर आम जनता का इसका लेकर साफ तौर पर यह कहना है, यानी कि असहमति जताई है, तो आने वाले समय में देखने को मिलेगा क्या 1 अप्रैल 2023 को प्रॉपर्टी टैक्स, यानी कि जम्मू की नागरिक प्रॉपर्टी टैक्स देगी, क्या जम्मू की नागरिक को प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा या नहीं देना होगा, क्योंकि ऑर्डर तो सामने आ चुका है, क्या 1 अप्रैल से इम्प्लीमेंट होगा या नहीं इम्प्लीमेंट होगा, ये एक बड़ा सवाल है, और आम जनता का इसको लेकर असहमति आम जनता ने जताई है। तो आपकी क्या कुछ राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखेगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।